एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट कुकिंग एंड ट्रैवल। तो आज है 14 सितंबर और अभी ही है रात का टाइम और अभी घड़ी में बज रहा है 11 o'clock। तो रात के टाइम में मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बॉटल्स, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। इसे मैं बैग में या पर्स में लेके ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे शैम्पू या फिर लिक्विड सोप या हैंड वॉश, ये सभी कुछ आपको अगर कैरी करना हो तो ये सब छोटे छोटे बॉटल्स है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है कि आपका जगह भी बचता है और चीज़ों का वेस्टेज भी कम होता है। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो आप शायद अमेज़ॉन में चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अभी मेरा पैकिंग हो चुका है और यहाँ पे मेरा सरप्राइज़ बर्थडे केक आ चुका है क्योंकि ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। कल है मेरा बर्थडे और हमें निकलना है अर्ली मॉर्निंग, तो अगर केक लाएंगे तो ये वेस्टेज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड लेके आ गए केक। अभी क्या कर सकते, केक कटिंग हमने किया लेकिन इतना बड़ा केक कौन खाएगा, इसको फ्रिज में भी नहीं रख के जा सकते, हम नहीं रहेंगे बहुत दिन के लिए। तो क्या कर सकते, हमने थोड़ा थोड़ा केक खाया और बाकी केक मैंने रख दिया था, फिर हमने सिक्योरिटी को दे दिया, वो लोग मिल बांट के खा लेंगे। और यहाँ पे मुझे मिला एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट, मुझे एक बहुत अच्छा सा इयररिंग मिला, तो बहुत ही मुझे पसंद आया, ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा था। तो थैंक यू सो मच तुम्हारे हस्बैंड। केक कटिंग करने के बाद थोड़ा सा केक वेक हमने खाया और उसके बाद हमने हाफ एन आवर का नैप ले लिया और उसके बाद हम नहा धो के रेडी हो गए, हमें निकलना है अर्ली मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 5 और हम रेडी हो गए हैं और अभी हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम रेडी होके निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो चलते हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और इतना ठंडा लग रहा है, ओ माय गॉड, आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो मैंने जैकेट और अपने साथ एक शॉल भी रख लिया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो जितना भी फॉर्मेलिटीज था वो हमने पूरा कर दिया, अभी हम जा रहे हैं अंदर फ्लाइट की तरफ। और ये जो बस है, हम बस में चढ़ गए हैं, बस से चढ़ के हमें जाना है अपने फ्लाइट की तरफ। तो हम आ गए हैं बस से उतर के, तो ये है हमारा फ्लाइट, हम जा रहे हैं इंडिगो में। तो यहाँ से हम जाएंगे मुंबई। पहले एक्चुअली हमारा फ्लाइट कनेक्टेड है, डायरेक्ट फ्लाइट हमें नहीं मिला, तो पहले हम जाएंगे मुंबई, मुंबई से फिर हमारा फ्लाइट चेंज होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हम अंदर आ चुके हैं। फ्लाइट हमारा रेडी है अभी टेक ऑफ के लिए। तो टेक ऑफ हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से देखने में, पूरा बैंगलोर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलते चलते है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है मुंबई में, तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा फॉग है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है।
पहुंच गए मुंबई और मुंबई में हो रहा है बहुत ज़्यादा बारिश, आप देख सकते हैं पूरा बारिश हो रहा है यहाँ पे। और पहुंच गए हम मुंबई एयरपोर्ट, अभी यहाँ पे हमें हाफ एन आवर वेट करना है, फिर हमारा फ्लाइट चेंज होगा। तो तब तक हम थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और ऐसे ही थोड़ा बैठते हैं। तो हमने पिया कॉफ़ी, कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हम हो गए रेडी। अभी फिर से हमें हमारा फ्लाइट है, हम जा रहे हैं अमृतसर। तो अभी हमारा फ्लाइट है मुंबई से अमृतसर के लिए, तो हम चल गए हैं प्लेन में, अभी जा रहे हैं हम अमृतसर। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, अभी लैंडिंग होने वाला है। तो लैंडिंग हो चुका है, हम पहुंच चुके हैं अमृतसर। और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं पूरा एकदम धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब गर्मी भी है बहुत देख के लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, ये है अमृतसर का एयरपोर्ट। तो हम आ चुके हैं नीचे और अमृतसर का एयरपोर्ट कुछ इस तरह से है। क्योंकि हम अमृतसर में आए हैं तो पंजाबी इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो और यहाँ पे है बहुत ज़्यादा गर्मी, मैंने अपना जैकेट वगैरह निकाल लिया है और मैंने सनग्लास पहन लिया है, बहुत धूप है। तो हमें हमारा कैब मिल गया और अभी हम जा रहे हैं कैब की तरफ। तो हमने ले लिया कैब और कैब अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो ये है अमृतसर, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप। तो ये है अमृतसर के रास्ते। और हम अपने होटल में पहुंच गए हैं और हमारा होटल है फेयरफील्ड मैरियट, तो बहुत ही अच्छा सा होटल है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो होटल के बाहर का एम्बियंस कुछ इस तरह से है और ये है अंदर रिसेप्शन। तो ये है होटल का रिसेप्शन और अभी चलते हैं हम रूम की तरफ। तो ये है कुछ इंटीरियर यहाँ का। तो चलिए चलते हैं रूम की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने रूम की तरफ। और आते आते हमें लगे इतनी गर्मी। तो ये है हमारा रूम जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज भी है। और चलिए आपको मैं दिखाती हूँ बाथरूम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बाथरूम अच्छा होना ही चाहिए। तो बाथरूम भी अच्छा ही है।
तो रूम हमारा अच्छा ही है, तो मोर देन एनफ। तो यहाँ से हमें पूरा अमृतसर का व्यू दिखाई दे रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, 15-20 मिनट्स के लिए बैठेंगे, थोड़ा फ़ोटो वोटो लेंगे। और अभी हम जा रहे हैं लंच करने। तो लंच के लिए हमने सोचा है आज कुलचा खाएंगे, कुलचा नान्या से कुछ खाएंगे जो कि लोकल शॉप्स में अवेलेबल होता है। हम बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई रेस्टोरेंट में आज नहीं जाएंगे, हमारा आज का प्लान है हम रोड साइड में जो ढाबा नहीं रहता है वैसे कुछ ढाबा से आज हम कुलचा या नान ऐसे कुछ खाएंगे। तो हमने सोचा हम जाएंगे ऑटो में, तो देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं अभी। और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मैं देख ही नहीं पा रही थी तो लास्ट में मैंने सनग्लास पहन ही लिया। तो चलते हैं, आज देसी स्टाइल में हम जाएंगे और देसी स्टाइल में हम खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई रेस्टोरेंट में हम नहीं जाएंगे, जो नॉर्मल ढाबा रहता है वैसे ही कुछ ढाबा में जाएंगे। देखते हैं यहाँ का कौन सा अच्छा वाला ढाबा है, ऑटो वाला से ही पूछ लेते हैं। तो हमें मिल गया एक ऑटो, होटल के बाहर ही खड़ा था। तो अभी ऑटो वाला भैया से हम पूछते हैं कौन सा अच्छा ढाबा है। तो ऑटो वाला भैया ने हमें एक ढाबा सजेस्ट किया, बहुत ही अच्छा है और बोल रहे हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं अभी हम। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है हमारे होटल से, तो वहाँ पे पहले जाएंगे, वहाँ पे क्या मिलता है कुलचा वगैरह हम खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वाघा बॉर्डर। क्योंकि हमारा प्लान था हम पहले गोल्डन टेम्पल जाएंगे, कुलचा वगैरह खा के होटल में आएंगे, नहाएंगे, उसके बाद गोल्डन टेम्पल जाएंगे। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर हम गोल्डन टेम्पल अभी जाएंगे तो वाघा बॉर्डर का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें 4 बजे से पहले पहुँचना है। तो हम यहाँ पे आए हैं, इस ढाबे का नाम कुछ काले दा ढाबा ऐसे कुछ है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और यहाँ पे बन रहा है कुलचा नान ऐसे कुछ। और चलते हैं ऊपर, इनका सिटिंग एरिया है ऊपर, तो चलते हैं ऊपर। और बाहर है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मेनू हमें मिल गया, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन है। तो हमें चाहिए था कुलचा, लेकिन इनके पास कुलचा नहीं है। इनके पास है नान, नान बहुत तरह का है, कुछ चुर चुर नान, या ये लोग कुछ बोल रहे थे आलू प्याज स्टफिंग नान, तो अभी वही ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारा मन था कुलचा खाने का, लेकिन कुलचा इनके पास नहीं है, कुलचे के लिए हमें कहीं और जाना था, क्योंकि अभी टाइम कम है और फिर से हम नहीं जा सकते, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर उधर हमें लेट हो जाएगा। तो अभी जो भी मिलता है ये भी खा लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया चुर चुर नान और उसके साथ आलू प्याज स्टफिंग नान, और साथ में कुछ मक्खन मुर्ग ऐसे कुछ, और साथ में लस्सी और स्ट्रॉबेरी शेक। तो स्ट्रॉबेरी शेक और लस्सी, तो स्ट्रॉबेरी शेक पीने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था बाहर। और यहाँ पे हमारा नान भी आ चुका है, और ये है चुर चुर नान, और एक है कुछ आलू प्याज स्टफिंग नान, और साथ में कुछ मक्खन मुर्ग। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो पहले हमने जो लिया ये है चुर चुर नान, तो टाइम है टेस्टिंग का, और साथ में आ गया लस्सी, और यहाँ पे है कुछ प्याज और पुदीने का चटनी। तो चलिए टेस्ट करते हैं, देख के तो पूरा नहीं लग रहा है, और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि बहुत सुबह हम निकले, फिर हमने लंच भी नहीं किया। और चलिए अभी खाते हैं। लेकिन जितना रिव्यू में सुना है या जितना भी रेटिंग बोल रहे हैं ये ढाबा का, हमें टेस्ट वैसा कुछ नहीं लगा, इतना अच्छा हमें लगा नहीं टेस्ट। मुझे समझ में नहीं आया इतना रेटिंग कैसे है इस ढाबे का,
क्योंकि जो चिकन था उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हल्दी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था, और जो नान था उसमें मुझे एक्चुअली कोई टेस्ट लगा नहीं। तो पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा रेटिंग है। जो भी हो, आगे हम निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बाघा बॉर्डर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। और जाते जाते हमें बहुत सारे हरे भरे खेत देखने को मिल रहे थे। और ये देखिए बाघा बॉर्डर का रास्ता, जहाँ से आपको वो फ्लैग दिख रहा है ना, वहीं पे है बाघा बॉर्डर। तो ये जो एक सामने में आपको पिलर जैसे दिख रहा है ना, ये इंडियन बॉर्डर है और वो है पाकिस्तान का फ्लैग। इंडिया का फ्लैग उन्होंने निकाल के रखा है। और जाते जाते हमें वहाँ पे बहुत सारा सेल्समैन मिल रहे थे, जो वहाँ पे फ्लैग टोपी ये सभी कुछ वहाँ पे सेल कर रहे थे। तो हमने भी अपने बेटे के लिए ले लिया। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो अंदर जाते ही इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, सब लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी प्रोग्राम शुरू ही होने वाला है, तो सभी लोग अभी आ रहे हैं। और इतना गर्मी है यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन फिर भी ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, इसके लिए सब कुछ ओके है। इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये है इंडिया, और उस तरफ है पाकिस्तान, और बीच में है बॉर्डर। इस तरफ है इंडिया और उस तरफ है पाकिस्तान, तो दोनों ही साइड अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्लैग के साथ। तो सब लोग वहाँ पे नाच रहे थे, गा रहे थे फ्लैग के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ पे शुरू होने वाला है पैरेड। और ये जो एक्सपीरियंस है ये, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप नहीं आए हैं तो आपको अमृतसर एक बार ज़रूर आना चाहिए। इस चीज़ को एक्सपीरियंस आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब व्हाट इज लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना तो चाहिए, ये चीज़ आपको एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो मैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखते देखते अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है, और हमें अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा, हम गोल्डन टेम्पल नहीं जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हमें जाना है होटल जाके हमें नहा धो के फिर जाना है गोल्डन टेम्पल। तो हम
अभी निकलते हैं यहाँ से और इस वीडियो को मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको गोल्डन टेम्पल का वीडियो देखने को मिलेगा, तो कीप ऑन वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर लेना है। ऐसे करने से मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।